स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और हम लोग आज देखेंगे त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है और पूरे का वर्गमूल है, पूरे का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे किया जाएगा ये देखते हैं इसको। तो हल रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसमें करना क्या होता है कि इसका जो संयुग्मी होगा, संयुग्मी मतलब कंजुगेट वो बनता है कि वैल्यू सेम रहती है, बस उसके चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे इसका संयुग्मी बन जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे पहले दोनों में और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसका संयुग्मी बनेगा हर का 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। जो हर का संयुग्मी है, सिर्फ हमने क्या किया है, प्लस को माइनस बना दिया है, तो उसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया है। अब देखो क्या बनेगा हमारे सामने। अब हमारे सामने आएगा, ऊपर देखोगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ये एक सर्वसमिका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो इस वाले का हम लोग यूज करेंगे। और ऊपर जो है बन गया है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन रहा है हमारे सामने, ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैसे के वैसे लिख दिया है। 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही रहेगा, माइनस ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कास स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कास स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी पूरे पर स्क्वायर लगा है और नीचे वाले भी क्वांटिटी पर पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वर्गमूल से ये बाहर आ सकते हैं अंश और हर दोनों भी। तो यूँ समझिए कि इस तरीके से ये बना हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो इसे हम ए बटे बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब इस पूरे के स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे सामने बचेगा अब ये 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखोगे ये जो है, चाहो तो ऐसे ही आंसर लिख दो या फिर इसको दो पार्ट में, ये इसका भी हर है और इसका भी हर है, तो ये 1 बटे कॉस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा को हम कह देते हैं सेक थीटा, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा को कह देंगे कि ये है टैन थीटा। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा।